भारत में सास ननद और पतों का झगड़ा का एक बड़ा कारण है भेदभाव की। 10 दिन से यही रहोगी, हम चल जाएंगे, जा रहा उठने नहीं जा रहा हूँ। अरे बाप रे बाप, जाते हम ससुराल ठीक थे। भारत में झगड़ा का एक मुख्य रीजन क्या है ना कि बियाह होता है तो नैहर आके 2 महीना बैठ जाती है सब। आपके बाद नैहर बैठने से कोई दिक्कत नहीं है, नैहर बैठ के महारानी ऐसा बैठ जाएंगी, भाभी उनके खाना बना के दे। आप लोग देखिएगा आपके घर में ऐसा नहीं है, आप ही हैं लड़ाकू विमान। मतलब जिसके घर में है उसको आप ऐसा है कि नहीं जी, कम ही नहीं करेंगे। भारत में सास ननद और पतों का झगड़ा का एक बड़ा कारण है भेदभाव की। बेटी 10 बजे सुतल रहे लेकिन पतो 4 बजे उठ के चाय बना दे, संग में आ गया कि नहीं आ गया आप? और नैहर से आ जाएंगी यहाँ काम करने, नहीं आएंगी आप? देखिएगा ना, आती है तो कम में नहीं करती, जबकि सब नहीं करती है यहाँ, कोई कोई करते लगती है यहाँ पर, एक से एक नौटंकी वाले। जबकि लड़का को अगर कहीं 1 महीना रहना है, लड़का कहीं रूम किसी की रूम पार्टनर किया जाता है, भाई आज रूम नहीं मिला तुम्हारे यहाँ रहेंगे, तो एक के दिन में उसका कुछ कुछ काम कर देता है, भाई कुछ काम है तो बोल हम कर दे, समझ में आ गया कि नहीं? खाना वाना में हेल्प है तो भाई अगर आपको रहना है थोड़ा सा हेल्प देख लो, लेकिन ना लड़ाकू विमान करेगी नहीं काम, नहीं दुनिया भर के आप हम लड़की रहते ना, और हमारा ननद अगर 1 महीना आके रह जाती तो 3-4 दिन वेट करते, और देखते नहीं है तो पापा को फोन करते, पापा आप कहिए कि सीरियस बीमार है, पापा हो गए सीरियस बीमार, हम भी चल दिए, चल दिए अपने आप। अच्छा ऐसे खुल के जाते तो खुल के दुश्मनी हो जाता, पापा बीमार है दुश्मन, अरे हमेशा, अरे बाप रे बाप, हमेशा अपने आप को साफ सुथरा रखना है, ब्रिटेन की तरह भारत पाकिस्तान लड़वा दिया, पूछता है क्या हुआ, क्या हुआ है, तो तुम ही लड़वा के गया ऐसे डायरेक्ट। अच्छा लड़की से मैं डायरेक्ट चल जाएगी, 10 दिन से यही रहोगी, हम चल जाएंगे, जा ले बवाल हो गया, अरे तुम बवाले से बचने के लिए गई थी, बवाले करके चल गई, नहीं समझ में, पापा बीमार है, नहीं समझा, नोट करके लिख लो लो। नोट लिखने से पहले यह लिख देना कि ब्याह के बाद जाके नैहर में 2-2 महीना नहीं रह जाना है, यही सब ना जाके रहेगी सब। आगे बढ़े, और अगर जाना है तो अच्छा से काम हम करते रहना है, ऐसा अगर 2 महीना रहना है तो ऐसा कीजिए कि भाभी ये रोक के रखे, अरे थोड़ा और रहिए आप, उसका काम हम था हेल्प कर दे, ठीक है आप, समझ आ गया कि नहीं आ गया आप? लेकिन जेके घरे जाना है वो करे से टांडव रख लेना है आप, हो गया जहाज में बैठ के पायलट से मार कर लीजिए, सोचा फेंक देगा नीचे, निकल यहाँ से तो जाते नहीं, इमरजेंसी इंडो खोल इधर फेंक दे नीचे यहाँ पे। आगे बढ़े, देखो तुम लोग को कितना समझाते हैं ये सब चीज, हमको ऊपर वाला लड़की नहीं बनाया, जानता था कि बहुत ही टांडव करेगा ये, शीत युद्ध करा देते। आगे बढ़े, डायरेक्ट कभी अपने से नहीं लिया जाता है दुश्मनी, इधर तुरंत नहीं भागना है, पापा ही है बीमार पड़ने के लिए, अब हर साल पापा को नहीं बीमार करना है, पारा पारी इस बार, एक बार अगली बार आए तो मम्मी, समझ में आ गया कि नहीं? देखो कि सब आदमी बीमार पड़ गया तो अपने बीमार पड़ जाओ, अरे हमारा उठने नहीं जा रहा हो, अरे बाप बाप। आगे बढ़ते, लेकिन हमेशा बढ़िया से बात करना है, बताइए ना हम बीमार पड़ गए ना तो आपको हम 4 टाइम खाना बना के खिलाते, क्या करें उठ रहे हैं तो चक्कर आ जा रहे, अरे वाह अपने चाय बनाएगी 4 टाइम खाना बनाएगी, चल जाते हम ससुराल ठीक थे, जैसे जाए एकदम ठीक होगा, तबियत सही हो गया, दवा सूट कर गया हमको।